रूस ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, रेड लाइन पार ना करें वरना भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम। रूस की चेतावनी से अमेरिका में खलबली। रूस ने एक बार फिर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। बेहद सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि अमेरिका रेड लाइन को पार ना करे वरना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हां, रूस के मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन युद्ध मामले में अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे रेड लाइन पार नहीं करनी चाहिए वरना परिणाम बुरा होगा। विदेश मंत्री सर्गेई ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन मॉस्को के साथ आपसी संयम को खो रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विदेश मंत्री ने इसे खतरनाक कहा है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के मामले में अमेरिका ने रेड लाइन को पार कर लिया है। अमेरिका को ये समझना चाहिए कि हमारी रेड लाइन मजाक बनाने की चीज नहीं है, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। सर्गेई ने कहा कि हमें उम्मीद है वॉशिंगटन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए संभावित परिणाम को समझेगा। हमें उम्मीद है कि वे अमेरिका के हितों को ध्यान में रखेंगे। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका का ये कदम रूस और अमेरिका के बीच गंभीर तनाव को और बढ़ावा दे सकता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल इस बयान को लेकर अभी अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या हो सकते हैं इसके नतीजे? रूस और अमेरिका के बीच बेहद तनावपूर्ण संबंध है। ये वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक संकेत है। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियां हैं। अगर तनाव जारी रहा तो वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। रूस पहले भी अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। रूस ने अपने राष्ट्रहित की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखते हैं तो ये तनाव और अधिक बढ़ सकता है। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में रूस और पश्चिमी देशों के बीच और अधिक टकराव की ओर इशारा कर सकता है। फिलहाल सर्गेई के इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर बमबारी और हवाई हमले कर रहे हैं। इस हमले में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन इस युद्ध पर कब विराम लगेगा, अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।